दोस्तों ये पूरा मंदिर है, पैर जल रहा है बहुत दोस्तों, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। अगर शाम के टाइम आए होते दोस्तों, अभी 1 बज रहा है, 1 बजे पूरा एकदम हिट हो गया है, तो अभी एकदम देख सकते हैं ऐसा है। हाँ दोस्तों, हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज बहुत दिन बाद हम चल रहे हैं सतई नाथ बाबा दर्शन करने के लिए, और थोड़ा बहुत पूड़ी वगैरह खाने के लिए गया जी का भात दे रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 11 बज रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ नाच प्रोग्राम भी हो रहा है, तो आज हम आप लोग को नाच प्रोग्राम भी दिखाएंगे थोड़ा बहुत, और सतई नाथ बाबा का आपको दर्शन भी दिखाएंगे। आज हम अपनी गोमती नदी भी दिखाएंगे, आज हम बहुत कुछ दिखाएंगे। तो हमारे जो कॉमेडियन वीडियो वाले बच्चे हैं अभी सब तैयार हो रहे हैं, देख सकते हैं घर में अभी सभी तैयार हो रहे हैं, फिर उनका सेटअप वगैरह चल रहा है, फिर अभी चलेंगे हम लोग नदी के उस पार। तो नदी के उस पार बहुत सारा कुछ खेला है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना, पूरा खेला देखना, आज कितना अच्छा खेला दिखाते हैं। तो अभी चल रहे हैं, अभी चलते समय आपको पूरा दिखाएंगे। लगभग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा दोस्तों, तो 4 किलोमीटर नदी वगैरह पार और करना पड़ेगा, नाव वगैरह से हर चीज़, तो मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा। बस वीडियो में देखना कितना आनंद आएगा और कितना अच्छा लगेगा, बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। आज आओ चलते हैं महमदाबाद के लिए। तो अभी चलने में 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर चलने में दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी जितने बच्चे हैं सभी लोग तो चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आओ अभी देख सकते हैं दोस्तों, कॉमेडी वाले वीडियो वाले जितने बच्चे हैं सभी एकदम तैयार होकर निकल रहे हैं, फिर उसके बाद आप चलते हैं, फिर और आगे देखना कितना अच्छा लगेगा। तो बस शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहना, बहुत ही बढ़िया लगेगा, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो सभी बच्चे अभी हमारे चल रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों कॉमेडी वीडियो वाले जो बच्चे हैं अभी चल रहे हैं, तो हम भी साथ में चल रहे हैं, उनकी भी शूटिंग हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो जो उनकी शूटिंग हो रही है, तो उसके साथ भी मैं भी शूटिंग कर दे रहा हूँ अपना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम लोग अभी चल रहे हैं, तो जितने बच्चे हैं आप लोग देख सकते हैं सभी सेंटर में चल रहे हैं हम। थोड़ा हवा ज़्यादा हो गई है दोस्तों, तूफान के टाइप में लग रहा है, तो ऐसा हवा ज़्यादा चल रहा है, इस कारण से थोड़ा दिक्कत हो रही है। आप लोग देख सकते हैं अभी सब जितने बच्चे हैं सभी अभी निकल चुके हैं, फिर हम लोग अभी साथ में चल रहे हैं। तो थोड़ा तूफान ज़्यादा हो गया दोस्तों, हवा से आवाज़ आपको पूरा क्लियर नहीं आ रहा होगा, तो जितने कॉमेडी वाले बच्चे हैं सब साथ में चल रहे हैं, तो थोड़ा हवा की वजह से आवाज़ थोड़ी दबी दबी या खरखराते हुए नज़र आ रही होगी आप लोगों को, तो आप लोग देख सकते हैं। तो जितने कमेटी वाले वीडियो है वाले बच्चे हैं सब साथ में चल रहे हैं, तो थोड़ा दोस्तों हवा हो चुका है, हवा के कारण से आवाज़ थोड़ी दबी दबी आ रही होगी आप लोग को, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें, जो जो दिखेगा सब आपको दिखाया जाएगा, कुछ अधूरा नहीं रहेगा दोस्तों। तो अभी हम लोग चलेंगे, नाव वगैरह पार करेंगे, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर का सफ़र है। तो यहाँ पर जो बच्चे खड़े हैं देख सकते हैं, अभी उनकी शूटिंग चालू है, चल रही है शूटिंग, तो कितने अच्छे से शूटिंग हो रही है, तो आपको पूरा मैं दिखा रहा हूँ, शुरू से लेकर अंत तक देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं सभी बच्चे जो है साथ में हमारे चल रहे हैं। तो अभी दोस्तों बहुत अभी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर चलना है, अभी 1 किलोमीटर का सफ़र हमारा तय हो चुका है, अभी 3 किलोमीटर का सफ़र बाकी रह गया है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे सभी आ रहे हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं, अब सीधा अभी जंगल के पार करेंगे, जंगल पार करके उसके बाद नदी मिलेगी, नदी को पार करके सतई नाथ बाबा धाम करेंगे, दर्शन करेंगे,
फिर उसके बाद आगे चलेंगे दोस्तों। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना कितना अच्छा लगेगा। इतना तेज ज़्यादा धूप हो चुकी है कि क्या बताएं, पूरा पसीना पसीना से भीग चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दोस्त एकदम इतना तेज गर्मी है यहाँ पर। जिला सुल्तानपुर में हैं अभी दोस्तों, तहसील कादीपुर लग जाती है यहाँ पर जो जा रहे हैं हम लोग, तो बहुत ही थक चुके हैं। 1.5 किलोमीटर की सफर में हम लोग पूरा थक चुके हैं दोस्तों। तो जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी थक जा रहे हैं, लेकिन क्या करना है, सफ़र है, आप लोग को दिखाने के लिए बहुत ही मेहनत कर दिया जा रहा है दोस्तों। अभी चलते चलते नदी के किनारा पहुंचने वाले हैं, तो थक चुके हैं पूरा, पैर और एकदम पूरा दर्द कर रहा है दोस्तों। अभी थोड़ा शक्ति माता जी का धाम है, तो जंगल है पूरा दोस्तों। ये जंगल का नाम है, इसको बोलते हैं पलेजवा, ये जंगल का नाम है दोस्तों इसको बोलते हैं, लेकिन है बरुआ उत्तरी गांव में ही लगता है ये, तो पलेजवा के नाम से मशहूर है। तो शक्ति माई का धाम इस जंगल में ही है, और जंगल के उस पार जो है सतईनाथ बाबा का धाम है, सत्यनाथ बाबा का धाम है। तो अभी जो बच्चे हैं सब यहाँ पर पानी वगैरह पी रहे हैं, तो ये शक्ति माँ का धाम है। तो ये माता जी का धाम है दोस्तों, देख सकते हैं अभी हम पहुँच चुके हैं। तो ये शक्ति माँ का धाम है, यहाँ पर कढ़ाई वगैरह पूड़े वगैरह चढ़ाया जाता है, इनका भी पूजा बहुत मन से आदमी करते हैं, क्योंकि दोस्तों गांव में छोटे छोटे मंदिर में पूजा तो हर जगह किया जाता है। जय हो माता। तो ये है शक्ति माता धाम दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कुछ मंदिर ऐसा है। तो जितने बच्चे आए हैं कमेटी वाले, तो सब इनका दर्शन करेंगे, फिर इसके बाद सत्यनाथ बाबा धाम दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे जहाँ गया जी का भात दिया जा रहा है पूड़ी, वहाँ पर चलेंगे। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बच्चे वगैरह का शूटिंग अभी चालू होने वाला है, तो मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ। तो ऐसा है दोस्तों पूरा यहाँ का नज़ारा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो देखकर। तो आज थोड़ा धूप ज़्यादा है दोस्तों, इस वजह से एकदम परेशानी ज़्यादा है दोस्तों। शक्ति माई का दर्शन वगैरह हो गया है, फिर अब हम लोग चलते हैं नाव, नाव पार करेंगे दोस्तों, उस पार चलते हैं। उस पार चलने के बाद सत्यनाथ बाबा का धाम दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद और आगे चलेंगे। तो बस आप लोग देखते रहें, और जो बच्चे हैं हमारे साथ में सभी चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। बस इतना ही है, थोड़ा धूप ज़्यादा हो चुकी है, और लीलगा देख सकते हैं दोस्तों, उस साइड में लीलगा बहुत तेज दौड़ रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा होगा कैमरा में, बहुत ज़्यादा दूर है दोस्तों जंगल में। इस जंगल में लीलगा, जंगली सुगर बहुत सारे हैं दोस्तों, तो रात में इस जंगल में आना बहुत ही हानिकारक है। देख सकते हैं या इस साइड में बहुत ज़्यादा तेज में दौड़ी, ये देख सकते हैं दोस्तों बहुत स्पीड, तो बहुत स्पीड में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लीलगा पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर इस जंगल में। तो आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही स्पीड, घोड़े से भी ज़्यादा स्पीड है दोस्तों इनकी, आप लोग देख सकते हैं घोड़े से भी ज़्यादा स्पीड है। तो बहुत ही अच्छा लगा देखकर, बहुत ही मेहनत से मेहनत करते करते पहुंच चुके हैं नदी के किनारा। तो नदी के किनारे आ चुके हैं, आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं पूरी नदी है, ये गोमती माँ हैं दोस्तों, ये जाके गंगा जी की मुलाकात की हैं। तो ये नदी जो है दोस्तों बहुत ही बढ़िया नदी है, और कभी पानी नहीं सूखता, कितना भी धूप काला हो जाए, कितना भी गर्मी पड़े, कितना भी धूप आ जाए, लेकिन पानी नहीं सूखता है दोस्तों, जितना पानी है इतना ही पानी रहता है। थोड़ा बरसात में बारिश की वजह से नदी बढ़ सकती है, लेकिन सूख नहीं सकती है दोस्तों। बहुत सारे राज्य में देखा हूँ, बहुत सारे जिला में देखा हूँ, एकदम पूरी नदी सूख जाती है, पानी 1% नहीं रहता है, लेकिन इसमें 100% पानी रहेगा, कभी पानी नहीं सूख सकता है। तो ये नदी है हमारी, देख सकते हैं ये, और बहुत लंबी नदी है दोस्तों, लखनऊ से सीधा जाती है, इस पास जौनपुर के आगे कहीं आसपास में गंगा जी से मुलाकात करती हैं, गोमती माँ नदी है गोमती जी का। तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं आप लोग को पीछे का कैमरा करके दिखाता हूँ कितना अच्छा है दोस्तों, माँ गोमती जी का नदी, माँ गोमती जी का धाम। हम लोग बहुत ऊपर खड़े हैं, देख सकते हैं दोस्तों,
तो उस साइड में उस पार में देख सकते हैं बहुत ही भैंसियाँ आई हैं नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही दोस्तों। हमारे यहाँ जलकुंभी बोलते हैं इसको। तो ऐसा है दोस्तों, नाव आ रही है हमारी, अब नाव से हम लोग उस पार चलेंगे, फिर उसके बाद सतईनाथ बाबा धाम के दर्शन करेंगे। तो इधर से जाना पड़ेगा, किनारे किनारे जाना पड़ेगा दोस्तों सतईनाथ बाबा दर्शन करने के लिए। और नदी उस पार में है, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, ये है दोस्तों नदी। तो ये है नदी, तो अभी आ रही है, तार लगा हुआ है इसमें। तो नदी नदी से नाव आएगी किनारे पे, इस किनारे पे आएगी, फिर हम लोग चढ़ेंगे उस पार चलेंगे, फिर आगे का रीजन आपको आगे बताएंगे, जो भी दिखाई देगा हम आपको दिखा देंगे। दोस्तों हम लोग नदी पार कर चुके हैं, नाव अपनी इस पार आ चुकी है, तो हम लोग अभी इस पार से चलते हैं सतईनाथ बाबा दर्शन करने के लिए। तो बस अभी नदी पार कर चुके हैं, बस आप लोग देखते रहें, हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी चल रहे हैं सतईनाथ बाबा धाम दर्शन करने के लिए। तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आते आते हालत बिगड़ जा रही है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, चल रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों, क्योंकि 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना पैदल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं सभी कमेडी वीडियो के बच्चे जो हैं एकदम पूरे तैयारी से चल रहे हैं। सतईनाथ बाबा का धाम आपको मैं दिखा रहा हूँ, दूर में है वो दिख रहा है सामने। तो अभी यहाँ से लगभग 150 मीटर लमसम होगा, फिर अभी हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी शूटिंग चल रही है, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। उस पार जाने के लिए जगह नहीं है, तो ये बच्चे जो हैं कॉमेडी वीडियो वाले पूरा एकदम उसको रास्ता बनाया जा रहा है सतईनाथ बाबा धाम जाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं मंदिर ऊपर है और बीच में नाला है, तो उसको पूरा एडजस्ट किया जा रहा है, अभी देखते हैं यहाँ से। तो ऐसा बनाया जाएगा, अभी ये पूरी नदी है दोस्तों, नदी से एक आदिपुर से पानी आता है ना, तो ये पूरा नाला है, तो इसके अच्छा। तो अभी हम लोग पार करते हैं, उछाल होगा, उछाल 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 कौन नहीं कर पा। तो दोस्तों जोर को और आगे खींचा, तो अभी रास्ता बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो अभी देख सकते हैं दोस्तों रास्ता बनाया जा रहा है सब बच्चे को जाने के लिए। ये रखा, ठेला हाँ ठेला जोर लगाई। तो अभी सब बच्चे मच्छी देखने लगे, तो अभी रास्ता बनाया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। बस वे डंडा बताए थे सब कूद, अब डंडा से पकड़ पकड़ कर ऊपर कूदा जाएगा। तो दोस्तों जितने बच्चे थे सब पार हो चुके हैं, और नदी कुछ ऐसी है, सतईनाथ बाबा का धाम यहाँ पर है। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, अब यहाँ पर किनारे में छोटी छोटी मंदिर हैं, तो आप लोग को मंदिर का दर्शन कराते हुए लेके चलेंगे ऊपर। तो ऐसा नज़ारा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, और ऊपर में भी मंदिर है, नीचे में भी है। अब पक्की रोड नीचे तक बना हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मंदिर है, तो ऐसा है दोस्तों यहाँ का मंदिर जो सतईनाथ बाबा धाम का है, तो ऐसा पूरा मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी हम लोग ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों सतईनाथ बाबा धाम मंदिर है, काली माता जी का मंदिर दोस्तों, आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, ऐसा जय माता काली। ये सतईनाथ बाबा धाम जी मंदिर है दोस्तों, नीचे भी है, तो ऐसा है।
बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों देखकर। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर के साइड में हम लोग देखेंगे। दोस्तों हम सतईनाथ बाबा धाम पहुंच चुके हैं, अब नदी से एकदम ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पत्ती रोड है। तो आप लोग कभी भी आएंगे, जिला सुल्तानपुर में पड़ता है दोस्तों, तहसील कादीपुर लगता है। कादीपुर से 3 से 4 किलोमीटर के दो से तीन किलोमीटर के लमसम में नदी के किनारे सतईनाथ बाबा धाम है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पर शूटिंग होगी बच्चों का थोड़ा, फिर उसके बाद और आगे चलेंगे जहाँ तक चलना है अपने को। तो बस दोस्तों अभी हम लोग आगे चलते हैं, सतईनाथ बाबा का दर्शन करते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। बस आप लोग शुरू से दोस्तों हम सतईनाथ बाबा धाम पहुँच चुके हैं। हमारे पीछे मंदिर आप लोग को दिख रहा है, तो मंदिर जो है आप लोग हम दिखाएंगे अभी। अभी ऊपर चलते हैं, तो अभी थोड़ा बच्चों वगैरह का शूटिंग हो रहा है, हो जाए उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं नदी के किनारे हम लोग आ गए हैं, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हम पूरा मंदिर पे जस्ट पास में खड़े हैं दोस्तों। ये मंदिर है, सतईनाथ बाबा के मंदिर है। तो मैं आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ पीछे का कैमरा करके, बहुत ही। और इस साइड में पूरा नदी है और जंगल है दोस्तों। नीचे देख सकते हैं जंगल है पूरा, इस साइड में बहुत नीचे तक रार है दोस्तों, रार के ऊपर मंदिर बनाई गई है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे सतईनाथ बाबा धाम जो है बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अंदर में मंदिर भी है, देख सकते हैं शंकर भगवान की मंदिर है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, जय हो शंकर भगवान। और नीचे सुरंग है दोस्तों जाने के लिए। दोस्तों हम लोग दर्शन वगैरह कर लिए हैं और यहाँ पर सतईनाथ बाबा का जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ मंदिर ऐसा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा हम लोग आए दर्शन करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको हम पीछे से एकदम पूरा लुक और नजारा सब कुछ दिखा रहे हैं। अंदर शंकर भगवान की मंदिर है। और दोस्तों पैर जो है बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है, इसलिए वीडियो शूट करने में बहुत ही हालत बिगड़ रही है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसा शूटिंग हो रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा मंदिर है, पैर जल रहा है बहुत दोस्तों, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। अगर शाम के टाइम आए होते दोस्तों, अभी 1 बज रहा है, 1 बजे पूरा एकदम हिट हो गया है। तो अभी एकदम देख सकते हैं ऐसा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप लोग को भी दिखाए। बस अब हम चलते हैं नीचे, तो गणेश भगवान जी की मंदिर है। तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों दर्शन करके, और आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताएं। नीचे ऐसा रहा, तो ऐसा पूरा ग्राउंड है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर दर्शन करने लायक का है। तो आप लोग देखे, बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों आप लोग को पूरा नज़ारा दिखा दिए, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो आप लोग भी कभी आए दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के लिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। माँ सरस्वती स्थान, तो अभी इसमें पानी नहीं है दोस्तों, जब पानी आ जाएगा बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ ऐसा है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से जहाँ आए थे, जहाँ चलने के लिए, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। पूरा ऐसा है ग्राउंड, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। हम लोग दोस्तों निकल चुके हैं, अभी हम लोग को 2 किलोमीटर लमसम पैदल यात्रा करना पड़ेगा। अभी गया जी का यहाँ भात खिलाया जा रहा है दोस्तों, वहाँ पर चलते चलते हालत बिगड़ जाएगी। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं, नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों हम लोग अभी नदी के किनारे चल रहे हैं, देख सकते हैं हमारे पीछे नदी नदी है। तो नदी के किनारे चल रहे हैं और पीछे हमारे रार बहुत हाईवी दिख रही है। तो मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ, जैसे पहाड़ बाहर में मैं दिखाता हूँ महाराष्ट्र वगैरह में, पहाड़ के जैसा है दोस्तों, लेकिन पहाड़ नहीं है, पहाड़ के जैसा है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं और ये नदी है, नदी के किनारे किनारे चल रहे दोस्तों, देख सकते हैं हमारे पीछे ये है नदी के किनारा है दोस्तों। कितना बढ़िया हवा लग रहा है यहाँ पर कि गर्मी का 1% एहसास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मच्छी पकड़ने के लिए कुछ जाल वगैरह का जैसे इसको बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं दोस्तों, 7 से 8 किलो तक, चाइना, बहुत सारी मछलियाँ हैं दोस्तों यहाँ पर मिल जाती हैं। और नदी थोड़ी थोड़ी पानी जो है हल्का कम हुआ है,
इसलिए देख सकते हैं मिट्टी मिट्टी जैसा दिख रहा है इस साइड में, तो पूरा मिट्टी मिट्टी जैसा दिख रहा है। तो ऐसा है, ये है दोस्तों रार, आप लोग देख सकते हैं रार है, बहुत ही हैवी रार है, मैं दिखा रहा हूँ ना, ये रार है दोस्तों, इसमें कुछ जैसा चल रहा है। तो जो जानवर वगैरह दोस्तों गर्मी के टाइम है थोड़ा पानी वगैरह पीने के लिए आ जाते हैं, तो अभी हम लोग चल रहे हैं, देख सकते हैं ये रार की जैसा है। तो ऐसा है, तो अभी हम लोग थक चुके हैं दोस्तों, कम से कम 3-4 किलोमीटर चल चुके हैं, हमको लग रहा है कि ज़्यादा है दोस्तों, ज़्यादा है इसलिए। और एकदम नदी के किनारे किनारे पे चल रहे हैं, नदी के किनारे किनारे से चल रहे हैं दोस्तों, रोड थोड़ा सही है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों गोहिया गई, तो ऊपर चढ़ गई इसलिए दिखा नहीं पाए, इधर से चढ़ गई, इधर से जो है ना चढ़ गई, मैं पीछे का कैमरा है दोस्तों, रार रार के नीचे नीचे से चल रहे हैं हम। और ये नदी, नदी के किनारे किनारे से रास्ता है, तो ऐसा चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ से मिट्टी वगैरह निकाला गया है घर को लिपाई और पुताई करने में, तो आप लोग देख सकते हैं नदी के किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसा है, ये है नदी का किनारा, और नहाने में भी ठंडा ठंडा पानी है, गर्मी का सीजन तो ज़्यादा नहाने में भी अच्छा लगता है। तो ऐसा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी सब नहा रहे हैं इधर उस पार में देख सकते हैं। तो ऐसा है, पूरा जंगल है, आगे से अपन को चढ़ना, आगे से ऊपर चढ़ेंगे दोस्तों वहाँ से, तब फिर उसके आगे आगे चलेंगे जहाँ हम लोग चल रहे हैं गया जी का भात खाने के लिए, बहुत ही महंगा पड़ रहा है दोस्तों। किराना पूरा छा गए हमारे पीछे, देख सकते हैं छोटे छोटे जो कीड़े हैं एकदम पूरा छा गए हैं, तो जो आ रहे हैं देख सकते हैं पूरा नदी के किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं, तो पूरा एकदम जो किराना थे कीड़े थे पूरा छा गए। अब यहाँ से ऊपर चढ़ना है दोस्तों, अब ऊपर चलेंगे फिर वहाँ तक जहाँ पहुँचते हैं वहाँ तक चलते हैं दोस्तों। हम लोग पानी पीने के लिए एकदम पूरा बेहाल हो चुके थे, तो इसलिए नल मिला हमको, तो यहाँ अभी सब पानी पी रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे थे कमेटी वाले सब थक गए थे आते आते, तो सब पानी पी रहे हैं अभी देख सकते हैं। अभी घर मिला हम लोगों को, तो यहाँ पर पानी वगैरह पिया जा रहा है, फिर यहाँ से फिर निकलते हैं हम लोग आगे की साइड, अभी सब पानी वगैरह पीने के बाद सब लोग निकलेंगे यहाँ से, तो 1 से 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, तो सब लोग पानी वानी पीकर फिर उसके आगे चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर बाकी है, सभी आ रहे हैं आप लोग देख सकते हैं पीछे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और धूप ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आते आते सबके पैर दर्द करने लगा है, और सब देख सकते हैं कैसे आ रहे हैं एकदम स्लो मोशन, जैसे पैर में ताकत नहीं रह चुकी है, तो बहुत ही समय लग गया दोस्तों आने में। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी जंगल को पार करके, फिर ऊपर चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग रास्ता नहीं देखे हैं, पूछते पूछते हम लोग को चलना पड़ रहा है, अब पता नहीं किधर घर है क्या है, बाजा बज रहा है, नौटंकी सुनाई दे रही है, अभी ऊपर में बज रहा है लेकिन रास्ता किधर से है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग बगैर देखे रास्ता चल रहे हैं। हम लोग मऊ गांव में हैं, मऊ महंदाबाद दोनों सट के गांव हैं दोस्तों, तहसील कादीपुर लगता है, तो हम लोग अभी चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं जंगल जंगल से गुजर रहे हैं, बाजा की आवाज़ हम लोग को सुनाई दे रही है, तो ऐसा नज़ारा है। तो जंगल जंगल पे हम लोग गुजर कर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कैसे निकलते हैं, फिर खेत में पहुँच चुके हैं दोस्तों, ये सामने चलना है, तो किधर किधर से रास्ता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस खेस खेस से चल रहे हैं हम लोग, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और
आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे मंडप वगैरह लगा हुआ है। आवाज थोड़ा दोस्तों दब दब के आ रही होगी, इसके लिए क्षमा प्रार्थना। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया लगा, अभी मंडप वगैरह आ गया है तो अभी देखते हैं। दर्शन तुरंत 5 बजे से कबूरे पूरा खाली पूरा खाली पड़ गया, चला गया दोस्तों। खाने का प्रोग्राम पूरा चालू हो चुका है, तो अभी खाने का पूरा प्रोग्राम जो था पूरा आप लोग देख सकते हैं, पूरा सेटअप हो चुका है, पूरा सेटअप लग चुका है। तो अभी टाइम ये है तो 6 बजे पूरा भोजन की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो आप लोग को मैं शुरू से दिखा रहा हूँ, पूरा शाम हो चुकी है, बोलते बोलते तो दोस्तों गला एकदम पूरा सूख चुका है। तो बस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं, आ जाओ। तो ये सब पूरा देख सकते हैं भाई भाई जी हमारे। तो बस दोस्तों वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।